अगर सब बतौर राइटर, चूँकि आप समाजी मसाइल पे बहुत ज़्यादा लिखते हैं और जिस तरह हमारी प्री डिस्कशन भी हुई कुछ दिनों पहले जो है वो सुसाइड की आगाही के हवाले से एक डे भी मनाया गया कि ऐसे रुझानात में इजाफा बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमारे हमसाया ममालिक में तो बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज़ और उनके नाम आते हैं, पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही मामला है। कुछ रिपोर्ट हो जाते हैं, कुछ के ख़ानदान वाले सोशल प्रेशर्स की बिना पर नहीं कर पाते। सो एनालिसिस आपने क्या किया सर, इसकी वजूहात क्या हैं बढ़ते हुए इस चीज़ की माशरे में? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डिस्कवर पाकिस्तान की मॉर्निंग टीम का कि उन्होंने इतने अहम मौजू के ऊपर बात की। हमारे यहाँ इन ऐसे मौजूद जो हैं उनके ऊपर इतनी खुल के बात नहीं की जाती, जिस तरह आपने खुद जिक्र किया कि सोशल प्रेशर जो होता है उसकी वजह से भी बात नहीं की जाती। तो मेरा ख्याल से अगर इस पर हम बात नहीं करेंगे तो ये मामला इसी तरह बढ़ते जाएंगे, जिसकी मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, फिर हम इशूज़ पर भी आते हैं कि कराची की एक माहिर नफ्सियात हैं डॉक्टर अतिया नकवी, उनके 24 साल बेटे ने सुसाइड की। अब अगर वो चाहती तो वो उसको छुपाती भी, उन्होंने कहा मुझे प्रेशर भी आया कि मैं छुपाऊं, लेकिन नहीं, मैंने क्या किया कि मैंने उन माओं को इकट्ठा किया जिनके बच्चों ने सुसाइड की थी और मैंने एक आगाही सेमिनार की तरतीब दी और फिर मैंने मुख्तलिफ जगहों पर जाकर मुख्तलिफ सेमिनार करवाए और मकसद ये था कि लोगों को आगाही दी जाए कि किस तरह जो हमारे बच्चे हैं वो हमारी गफलत का शिकार होते हैं जब उनके अंदर तब्दीली आती है। अभी हम पहले भी बात कर रहे थे कि हम अगर ये कहें कि सुसाइड की सिर्फ एक कोई वजह है तो ये मेरा ख्याल से कोई मुकम्मल बात नहीं होगी। जो सुसाइड करने वाला होता है वो ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो एकदम सुसाइड का सोचे और ख़ुद को पंखे से लटका ले, बल्कि उसके पीछे बहुत सारी वजूहात होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता इस साने का सबब बनती हैं। उसमें आप हसासियत जिसको हमने जिक्र किया वो कह सकते हैं, जो हमारे कलमकारों में बहुत ज़्यादा रुझान है वो कह सकते हैं, इसके अलावा डिप्रेशन का जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा आज अच्छा एक और भी है कि हर दौर में सुसाइड की वजूहात तब्दील होती रही हैं। जैसा कि आप अब ये कह लें कि अब हमारे यहाँ बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इस कदर बेरोज़गारी है कि हमारे यहाँ हर दूसरे दिन कोई वालिद जो है वो अपने बच्चों को पहले जो है वो मारता है और उसके बाद खुदकुशी कर लेता है। ये एक बहुत बड़ी वजह हो चुकी है यानी कि बेरोज़गारी। दूसरा तन्हाई जो है, तन्हाई बजाते खुद एक आप कह लें कि हालत मर्ग में रहने वाली बात है कि आप दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं, आप सोसाइटी से कट ऑफ हो जाते हैं और ना कोई आपको सुनने वाला होता है ना कोई आपको सुनाने वाला होता है, ये बहुत बड़ी वजह है। फिर जो घरेलू नाचाकियाँ हैं, अमूमन ऐसा होता है कि जो वालदैन के आपस के क्लैश होते हैं वो बच्चों पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। हम नहीं देखते इन चीज़ों को कि हमारी छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे जो आपस के रवैये हैं वो हमारे जो बच्चे हैं या जो हमारी अगली नस्ल है उसको किस दर्जा मुतासर कर रहे हैं। यानी बीबीसी ने जुलाई 2019 में एक रिपोर्ट शाया कि उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो सुसाइड अटैक्स हैं केसेस हैं वो वहाँ पे हैं, उसके पीछे उन्होंने वालदैन की मुजरिमाना गफलत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि जब बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीली आ रही होती है, उनके रवैयों के अंदर तब्दीली आ रही होती है, मसलन देखें एक बच्चा सोशल मीडिया का हद से ज़्यादा यूज़ करना शुरू हो गया है, तो बीबीसी ने लिखा कि सोशल मीडिया का तवातर इस्तेमाल जो है वो भी आपको पेशेंट बना देता है कभी कभी और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। अच्छा उसके बाद एक और मैं एक अंग्रेज़ी की किताब है वाई सोसाइट, एरिक मार्कस की किताब है मेरा ख्याल से, हाँ इसमें मैंने कॉलम भी लिखा था लोग खुदकुशी क्यों करते हैं, उसका उर्दू तर्जुमा भी हो चुका है। उन्होंने लिखा कि जब हम घर में बच्चों को मामूली मामूली बात पर डांटते हैं तो मतलब तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, तुम बोल ठीक नहीं रहे, तुम बैठे कैसे, ये छोटे छोटे जो चीज़ें हैं ये भी एक वक्त ऐसा आता है किसी क़यामत का पेश खैमा बन जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि खुदकुशी का एक रीज़न डिप्रेशन है, एक रीज़न बेरोज़गार, आज के दौर में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा जो है वो रुझान है। अच्छा मैं चूँकि मुझे ये भी कहा गया कि अपने कलमकारों के हवाले से बात करनी है, कुछ तीन चार केसेस पिछले कुछ सालों में, एक साल में बल्कि मैं कहूँ कि मेरे दोस्तों के इर्द गिर्द जो शायर थे पेश आए, तीन चार केसेस में जो मैंने देखा उसमें खातून थी और तीन जो है वो नौजवान थे और सबकी उम्रें जो थी वो 20-25 के अराउंड अबाउट थी। उन तीनों केसेस के अंदर जो सबसे बड़ी वजह नज़र आई कि वो वालदैन की तरफ से प्रेशर, तंग करना, डांटना, रवैया ठीक ना होना, लड़ाई झगड़े, तीनों के अलावा मैंने जब कॉलम लिखा एक और शायर दोस्त की वफात पर तो उसके वालिद ने कहा जी आपने हम पे इल्ज़ाम लगाए हैं, बहुत इस मुझे क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन सच यही है कि इनके पीछे यही वजूहात हैं जो इस जो क़यामत का पेश खैमा बनती हैं। अब साइकोलॉजिकल उसके क्या मसाइल हैं जारी बात है, मैडम बैठी हैं वो उनको बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि खुदकुशी जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे जो अच्छा फिर हमारे अदब के अंदर खुदकुशी को ग्लैमराइज बहुत कर दिया गया है, जैसे कि बहुत ऐसी चीज़ है और कई शायर खुदकुशी करने की कोशिश करते हैं और फिर बच जाते हैं और फिर अफसोस करते हैं सोशल मीडिया पर, देखे जी मैंने तो कोशिश की देखे फिर मैं कामयाब नहीं हो सके, नहीं इतना क्यों ग्लैमराइज किया जा रहा है,
इसको इस पर इतना उसको ग्लैमराइज करने के बजाय इस पर बात होनी चाहिए और इसका इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होना चाहिए ताकि हम इसका रोकथाम कर सकें। बिल्कुल, बल्कि जो बच जाए उन्हें सजा देनी चाहिए कि वो इस तरह का रोल मॉडल बनते ही क्यों है।